दूसरी संप्रदायों में नाम का भेद है, परंतु जब करने की आज्ञा सब हुई है। प्राय संप्रदाय में नाम जप करने की बात सब में मुख्य आ गई। तो अभी कलयुग है, कलयुग में नाम का बड़ा प्रभाव है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आलो पाऊ। चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कारण क्या, कलयुग में दूसरे साधन ठीक तरह से होते नहीं। नहीं कले कर्म न भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन एको। तो भक्ति का ही अंग नाम जब है, तो नाम में लगना ये बढ़िया चीज है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, भगवान ने कृपा करके कलयुग के जीवों के लिए नाम में सब शक्ति रख दी। नाम जप में सब शक्ति, और उसमें जप करने के लिए नियम नहीं बांधा। चाहे सुबह शाम दोपहर में कभी हो, नाम स्मरण करना चाहिए। परमात्मा सबके परम पिता है, तो अपने पिता का नाम लेने की सब पुत्रों की बात है। नाम जब विशेष करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते केवल याद रखना है। इसमें बाधा है तो याद रखने की है। नाम जब करता रहे मन से ही, भगवान की प्रार्थना करता रहे कि नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। ऐसा मन से कहा यार, जबान से राम 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 राम, नाम भूलू नहीं। माला और जीव से जब करने पर भूल कम होती है। माला न रहने से और मानसिक जब करने से भूल अधिक होती है। इस वास्ते माला रखना बहुत आवश्यक है। अपनी झोली ने झोली में माला रखे, माला को नंगी रख रखने के कपड़े में रखना चाहिए, तो उसमें नाम जब विशेष करना है। दूसरे साधन नाम जब से हो जाते हैं, नाम की मुख्यता है। कलयुग में नाम जब विशेष लाभदायक होता है, इसका प्रभाव कलयुग में ज्यादा है। इस वास्ते नाम जब में ऐसी बात है कि कोई भी गीता में क्या नाम जब यज्ञ, उसमें क्या नाम है जब यज्ञ है जो खास अपना है, तो ये जब यज्ञ करना चाहिए। जब का ये यज्ञ है, जब यज्ञ हरदम करते हुए चलते मिलते उठते बैठते ख्याल रखो कि नाम जब छूटे नहीं। सावधानी रखो, सावधानी ही साधना है। तो आज तो मैं साधन सावधानी है, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा। तो नाम जब करना है ये जागृति है, भगवान के नाम की धूल बजती है, अभी हरदम नाम होता रहे तो सावधानी रहती है। नरक में नहीं जाता, उद्धार होता है। तो हरदम भगवान के नाम का जप होता रहे। तो कलयुग में पालन करने वाला भगवान का नाम है, रक्षा करने वाला भगवान का नाम है, राम 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 राम। तो कलयुग में विशेष महिमा है, अपने कली में चल रहे हैं तो विशेष नाम का जप करो। तत्परता से उनके उत्साह से सावधान रखो, सावधान एकदम सावधान। तो माला रखने से भी सावधानी रहती है। भगवान नाम के लिए माला अस्त्र है, माला से भगवान याद आते हैं, तो भगवान को याद दिलाने वाली है ये। तो जीवन का बीमा है ये, नाम जप है ये बीमा करा लिया जाए तो फिर हरदम नाम जप है तो बीमा हो जाता है, कभी हमारे कल्याण हो जाएगा। बीमा कराने से चीज नष्ट हो तो उसके पैसा आ जाता है। तो बीमा है खास इस शरीर के, कभी हमारे भगवान नाम का जब चलता रहे हरदम तो फिर कोई खतरा नहीं, कभी हमारे
अंत काल के समय में वो स्मरण भगवान का स्मरण करता हो हमारा तो भगवान को प्राप्त होता है। तो आज पर करता रहे नींद आ जाए उसमें नहीं हो तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। परंतु हरदम जब होता है उसमें नींद में जब होता है, नींद में जब छूटता नहीं है तो हरदम लगन से करता है। राम 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 तो नाम जपने से रोम रोम हो जाता है। ऐसे भगवान का नाम लेना नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में मनुष्य के अलग अलग अधिकार माने गए हैं, योग्यता मानी गई है, वैसी योग्यता होने से उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु भगवद गीता में ऐसी विलक्षण बात बताई है, अविशेष सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसित हो। अविशेष सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, वो कितना होना चाहिए कि जिसके समान दूसरा कोई है ही नहीं, सांगोपांग दुराचारी, ऐसा पुरुष भी अगर अनन्य भाव से भगवान की तरफ चलता है तो उसको साधु मान लेना चाहिए। और बताया क्षिप्रम बोले धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है। और शाश्वत शांति जो निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। कुंती नंदन तुम निश्चय जानो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो अत्यधिक पापी भी अगर चाहे तो उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो फिर साधारण पुरुष है तो वो तो कर ही सकते हैं। आप हम अपने जब कह दिया कि अब से सूराचार दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो फिर सबसे अधिक मैं पापी हूं ऐसी बात तो नहीं जचती है अपने, क्योंकि अपेक्षा हमारे में अच्छे गुण भी है और क्योंकि अपेक्षा हमारे में गलती भी है बहुत सी। परंतु दुनिया मात्र में जितने जीव जंतु मनुष्य आदि हो सकते हैं, सबसे अधिक मैं पापी हूं ऐसा तो मन स्वीकार नहीं करता है। और गीता कहती है अपिचे सुदुराचार, पापी से पापी भी भगवान के चरणों के शरण होकर उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो हम तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो ये भक्ति सर्व ज्ञान प्रवे नृजनम संतरिष्यसि। अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्वा, जितने पापी संसार में हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से भी अत्यधिक पापी है तो भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों को तू तर जाएगा। तो मालूम होता है ज्ञान भी ऐसे पापी को कोई प्राप्त हो सकता है, भक्ति प्राप्त होती ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के लिए शास्त्रों ने साधन चतुष्टय संपन्न बताया है, विवेक हो, वैराग्य हो, समाधि संपत्ति हो और मुमुक्षुता हो, ये साधन चतुष्टय चार साधनों के सहित होता है। वो फिर श्रवण का अधिकारी होता है, और श्रवण के बाद में मनन है, मनन के बाद निरिध्यासन है, और निरिध्यासन के बाद उस तत्व की प्राप्ति है जो भी एक तत्व पदार्थ संशोधन। ऐसे ज्ञान के अंतर्गत आठ साधन बताए हैं। तो आठ साधनों को करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। और गीता कह दीजिए कितनी पवित्रता होती है जिसमें, इतनी पवित्रता होने पर वो बोध हो सकता है। भगवद गीता कहती है अभिचेद सी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्व, अधिक से अधिक पापी हो वो भी ज्ञान रूपी नौका से पापों को तर जाएगा। तो उसके लिए भी ऐसी बात बताई। तो आप और हम इन बातों को सुन करके और परमात्म तत्व की प्राप्ति की हिम्मत कर सकते हैं तो हमारे को भी वो तत्व मिल सकता है। कितने विलक्षण बात है, भगवद गीता के पढ़ने से किसी भी मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। सांसारिक विभूति दो को भी एक समान नहीं मिल सकती, रुपये भी अगर देखे जाए तो दो आदमियों को भी बरोबर रुपये मिले हुए नहीं है, किसी कम ज्यादा ऐसे ही होता है।
निरोगता भी बरोबर दो को भी नहीं मिली है।